नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है और ये हमारे साथी विवेक यादव जी, ये हमारे बड़े भाई और ये हमारा छोटा भाई और एक और भाई है जो कैमरामैन हो गया। अभी हम यहाँ से अपनी जो सफर है शुरू करेंगे यहाँ से, तू चल जाए और हम यहाँ से सीधा नेपाल में, मतलब कि पहला हमारा विदेश का दौरा है। ये हम सब विदेश दौरा पे जा रहे हैं, हालांकि जो फोन पकड़ा हुआ है ऑलरेडी विदेश जाके आ चुका है। और यहाँ से हम लोग पोखरा जाएंगे और पशुपतिनाथ जाएंगे। तो आप देखिए, हम इसमें आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि आपको जाने के लिए कि कौन सा रास्ता सही रहेगा, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं तो, या फिर आप दूसरी जगह से जा रहे हैं तो उसका तो नहीं पता। पूर्वी उत्तर प्रदेश से हम बता देंगे आपको कैसे जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए क्या होगा। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, बने रहिए हमारे साथ। और ये रहा हमारा जिगरी दोस्त कैमरामैन भोकाली दादा। और यहाँ पे हम लोग बलिया से 75 किलोमीटर की दूरी तय करके एक ये शुभ टायर्स व रिसोल की दुकान पे आए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी कार का जो चारों चक्के में हवा चेक कराई है। और ये जो है देवरिया जिले में पड़ता है और आपको ये नेपाल जाने के रास्ते में मिलेगा। और यहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, नेक्स्ट जहाँ पे रुकेंगे आपको बताएंगे। और फाइनली यहाँ पे 166 किलोमीटर 166 किलोमीटर ड्राइविंग के बाद हम अब, क्योंकि हम वहाँ बॉर्डर पे जाएंगे तो हमको एटलीस्ट 2.5 आवर्स लगेंगे वहाँ पे पेपर रेडी करने के लिए, सभी हम जाके एंट्री कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि यहीं पे रुक जाते हैं और इसके लिए हमारा एक दोस्त उधर गया है ये सुंदर गेस्ट हाउस पे बात करने के लिए। यहाँ पे हम लोग किफ़ायती गेस्ट हाउस देखेंगे और वहीं पे स्टे करेंगे आज, और फिर सुबह में हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। ये सामने रहा गोरखपुर का स्टेशन, कल सुबह में हमारी जर्नी फिर यहाँ से शुरू होगी और हम लोग निकलेंगे बॉर्डर के लिए। और अप्रॉक्सीमेटली लग गुड मॉर्निंग। और अब हम अगले दिन गोरखपुर जंक्शन से निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं, हमारा ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा है। यहाँ से निकलेंगे हम लोग अभी, और अभी तक हम लोग चाय पिए हैं, थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। हमारी गाड़ी का भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी बनवाना है, तो उसके लिए हम थोड़ा रास्ते में जगह भी देख लेंगे, वहाँ भी बता देंगे कहाँ पे बन सकता है, कितना लगता है क्या। देखिए यहाँ पे हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं, हालांकि ये नेपाल बॉर्डर ही है, इसके यहाँ पे हमारा इंडिया है और वो जो दिख रहा है उसके बाद नेपाल है, क्योंकि यहाँ से आर्मी वाले हमें उधर नहीं जाने दे रहे हैं कुछ कारणवश। हमें फिर वापस 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर 13 किलोमीटर का रास्ता है वहाँ से दूसरी जगह से, जो है ठुडीबाड़ी से हमें फिर वापस वहाँ पे मिलेगा। तो फिर हम यहाँ से बैक जा रहे हैं। अब ये जगह का नाम हम आपको, जगह का नाम क्या था यहाँ पे, सलोनी बॉर्डर, सोनाली बॉर्डर, सोनाली बॉर्डर। तो सोनाली बॉर्डर पे कम ही चांस रहेगा, तो आपको हम बताएंगे कि आप वही ठुडीबाड़ी से ही जाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम वहाँ पे जाके आपको बताते हैं कि क्या क्या लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग नेपाल बॉर्डर पे आ गए हैं, जो ये सामने गेट दिख रहा है वहाँ पे सीमा समाप्त हो जा रहा है इंडिया का, उसके आगे अब नेपाल ही पड़ेगा। इसके आगे जाने के बाद हम पेपर वर्क करेंगे। और अब ये नेपाल का सीमा प्रारंभ होगा यहाँ से, ये जो गेट है उसके बीच में हम खड़े हैं, पीछे इंडिया का सीमा समाप्त था और यहाँ पे नेपाल का सीमा प्रारंभ हो रहा है। हालांकि तो रोड थोड़ा अजीबोगरीब दिख रहा है। हम नेपाल में एंट्री ले चुके हैं, एंट्री के लिए जो भी पास बनाना था 2 घंटे नहीं लगे, लगभग 40 मिनट तक लगे हैं। यहाँ पे ये कर देख सकते हैं, ये तो नेपाल की नहीं है।
और यहाँ पे आपको सिम भी मिल जाएगा जस्ट ये देखिए नेपाल का जस्ट बाजू में आइए आपका अगर इंडिया का आपको आधार कार्ड एक फोटो लगेगा आपको सिम मिल जाएगा और जो नेपाल में आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे एक चाहिए दो चाहिए आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट काठमांडू के लिए क्रिस मोबाइल सेंटर इनका भी नाम आइए और क्रिस मोबाइल सेंटर पे आइए अपना सिम निकलवाइए जो भी हेल्प चाहिए यहाँ से मिल जाएगी आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा। अब हम लोग पूरे 312 किलोमीटर चलने के बाद नेपाल में हम लोग अंदर आ चुके हैं और हम हमारे पूरे दोस्तों को मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगी थी। हम लोग अच्छे होटल का जो है मतलब अच्छा होटल ढूंढ रहे थे, ढूंढने में इन दोनों भाइयों का हाथ है, एक हमारे बड़े भाई उनसे भी बड़े भाई फिर मैं, तो यहाँ पे हम आए। ये हमारा श्रेष्ठ होटल है, ये आपको आप बीच में पड़ेगा दुमकी बास में पड़ेगा बीच में, घर के जैसा खाना मिलेगा, काफी किफायती रहेगा और पूरा स्वादिष्ट खाना रहेगा यहाँ पे। अगर आप कभी इस रास्ते से जाए तो यहाँ पे जरूर एक बार खाना खाए। नौ बजे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी जो जर्नी है लगभग 500 किलोमीटर की हो चुकी है। क्या मतलब कि रास्ते बहुत दिक्कत है। और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे पशुपति गौशाला धर्मशाला है, यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, काफ़ी किफ़ायती भी है और यहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा 120 रुपये थाली में भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको टॉयलेट वेस्टर्न कल्चर का भी मिल जाएगा। सो हमारे लिए यही अच्छा लगा और यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर पे मंदिर है तो कल हम वहाँ पे जाएंगे।